Okay, student, let's continue. We shall have to plan the early trip in the morning to the upper reach where we have a glimpse of them from a close distance. Of a close distance कि हमें early morning की एक trip बनानी होगी जिसमें कि हम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों उन ऊंचे पहाड़ों पे जाके नदियों के पास बहती हुई छोटी नदियों के पास उन ऊंचे पहाड़ों पे जाके उनकी एक छोटी सी झलक को देखेंगे. शान एक्साइटेड बाय द आइडिया, इस आइडिया से वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है. ओ डियर, ओ प्रिय, आई विल सीक परमिशन फ्रॉम अबू, कि मैं अपने अबू से परमिशन ले लूँगा. शान एंड सोनम वेटेड ईगरली, शान और सोनम जो हैं वो वेटेड ईगरली बहुत ही उत्सुकतावश क्या कर रहे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं फॉर संडे का, आने वाले संडे के दिन का इंतज़ार कर रहे होते हैं. एंड टू देयर डिलाइट शान्स फादर मेड द अरेंजमेंट, और जो उसके फादर थे, शान के फादर थे, उसके पिता ने, शान के पिता ने इसके लिए कि उनको जब ये पता चला कि वो शान और सोनम जो हैं वो क्या कर रहे हैं संडे को मार्कर को देखने के लिए जाएंगे, तो उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने कुछ प्रबंध कर दिए, जैसे कि अरेंजमेंट्स कर दिए, जैसे कि गुड़गुड़ टी. गुड़गुड़ टी जो है एक साल्टी टी होती है, लद्दाख की फेमस टी है. एंड लोकल ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट, और लोकल ब्रेड, लोकल ब्रेड का मतलब सिर्फ ब्रेड नहीं होता, ब्रेड मींस होता है रोटी, और लोकल ब्रेकफास्ट जो वहाँ का लद्दाख का लोकल ब्रेकफास्ट है उसका अरेंजमेंट कर लिया उन बच्चों के लिए. मोमोज फॉर द लंच, और लंच के लिए मोमोज. एंड यू नो मोमोज क्या होते हैं, एज यू नो वेरी वेल अबाउट इट. मोमोज का इंतज़ार अरेंज कर दिया. एंड टू डंकीज फॉर राइडिंग, और दो डंकीज जो थे उनको भी अरेंज कर दिया उनकी राइडिंग के लिए. क्योंकि राइडिंग क्यों, क्योंकि उन्होंने पहाड़ जो थे ऊँचे ऊँचे सीधे पहाड़ों को चढ़ना था उनको देखने के लिए, उनकी झलक को देखने के लिए. द ग्रुप सेट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग एंड रीच्ड अ क्लिफ नियर अ ब्रुक. ग्रुप जो था वो अर्ली इन द मॉर्निंग क्या हो गया, तैयार हो गया, ठीक है, वहाँ पे ब्रूक हो गया, उच्च छोटी जलधारा वाली जगह पर जाने के लिए, ऊंचे ऊंचे क्लिफ मीन्स पहाड़ों पर चढ़ने के लिए. सोनम वॉज लीडिंग, सोनम आगे आगे थी. ही स्टॉप्ड ऑल अ सडन एंड डायरेक्टेड शान टू डिसमाउंट. वो क्या कहती है, वे अचानक रुक गए. ही स्टॉप्ड ऑल अ सडन, वो सभी अचानक रुक गए, और उसने शान से कहा कि वह नीचे उतर आए. डिसमाउंट होता है, माउंट होता है ऊपर चढ़ना, डिसमाउंट हो गया नीचे की तरफ आ जाए. लिविंग द एनिमल्स एट अ डिस्टेंस, कि एनिमल से वो जो जानवर हैं उनसे क्या करे, थोड़ी दूरी बना के रखे, ठीक है. द बॉय क्रीप टू द वर्क ऑफ द क्लिफ, ठीक है, वे लड़के जो थे, वो लड़का जो था धीरे धीरे चट्टान के किनारों तक आ गए थे. चट्टान के किनारों तक, क्लिफ हो गया किनारों तक, वर्ग हो गया किनारों तक, किसकी, चट्टान मीन्स की माउंटेन्स के, उसके माउंटेन्स के किनारों तक आ गए थे. सोनम, शान कम हेयर, यहाँ पे आ जाओ. सी अ हर्ड ऑफ मार्क, हर्ड होता है झुंड, फ्लॉक्स भी झुंड होता है, हर्ड भी झुंड ही होता है. हर्ड ऑफ मार्कर के झुंड को देखो, नियर द ब्रूक डाउन द क्लिफ इंजॉइंग द मॉर्निंग सन, ठीक है, कि वो कहता है कि इधर आओ, देखो चट्टान के नीचे की तरफ जो है नदी के पास ही, चट्टान के नीचे की तरफ नदी के पास क्या है, नदी के पास मार्कर का एक झुंड प्रातः क्या कर रहा है, मॉर्निंग में, ठीक है, एक झुंड प्रातः मीन्स कि मॉर्निंग के सूर्य का आनंद ले रहा है, सन का आनंद ले रहा है. हाइड योर सेल्फ बिहाइंड द रॉक्स, अपने आप को इन चट्टानों के पीछे छुपा लो. सो दे डोंट गेट फ्राइटेंड, तो फ्राइटेंड होता है डरना, तो ये हमसे डरेंगे नहीं. देयर वर मैनी मेल्स एंड फीमेल मार्कर, इनमें बहुत मेल और फीमेल मार्कर है, नर और मादा मार्कर हैं अलग अलग साइज के. द यूनिक साइट मर्मराइड शान, जो यूनिक साइट, साइट होता है नज़ारा, जो बहुत ही अद्भुत नज़ारा जो था वहाँ पे दिख रहा था, मेस्मराइज्ड शान, वो क्या कर रहा था, शान को मेस्मराइज कर रहा था. मेस्मराइज मीन्स कि मोहित कर रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था वो नज़ारा देख के. द मार्कर वर इंजॉइंग द मॉर्निंग सन, सम ड्रिंकिंग वाटर, सम ग्रेजिंग, सम रबिंग देयर बॉडीज अगेंस्ट रॉक्स, येट सम लॉकिंग हॉर्न इन एंजॉयमेंट.
वहाँ पे जो नज़ारा था वो क्या देख रहे थे श्यान और सोनम कि मार्कर जो है इंजॉय कर रहे हैं उस सुबह की धूप को, कुछ क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कुछ घास चर रहे हैं, कुछ अपने रबिंग देयर बॉडीज, अपने बॉडी को रब कर रहे हैं अगेंस्ट रॉक्स, चट्टानों के साथ रगड़ रहे हैं, और येट सम लॉकिंग, और कुछ क्या कर रहे हैं, अपने लॉकिंग हॉर्न्स मीन्स कि अपने सींगों को एक दूसरे के सींग के बीच में लॉक करके इंजॉय कर रहे हैं। शियॉन लॉन्ग्ड टू स्क्रीम आउट ऑफ जॉय एंड एस्टोनिशमेंट। शियॉन जो है लॉन्ग्ड होता है कि इच्छा, शान की इच्छा हो रही थी, डिज़ायर मीन्स की विश, उसकी इच्छा हो रही थी स्क्रीम मीन्स की शाउटिंग करे, चिल्लाने की, आउट ऑफ जॉय एंड खुशी में चिल्लाने की इच्छा कर रही थी, जो अस्टॉनिशमेंट होता है आश्चर्यजनक मीन्स की आश्चर्य में वो क्या कर रहा था शान की उसे इच्छा कर रही थी कि वो क्या करे, वहाँ जोर जोर से चिल्लाए मीन्स की शान खुशी और हैरानी से भरा हुआ चिल्ला देना चाहता था, उसकी ये इच्छा कर रही थी मैं जोर जोर से चिल्लाऊँ। The boys enjoyed the sight of the quite some time, but Shyam couldn't resist the childish urge and threw pebbles at Markhor. जो बच्चे थे, boys जो दोनों थे, वो क्या कर रहे थे, वो वहाँ पे उस नज़ारे का आनंद ले रहे थे, लेकिन शान क्या कर रहा था, लेकिन शान ने क्या किया कि अपनी जो चाइल्डिश अर्ज होता है कि बचपने मीन्स कि जो जैसे बचपने बचपन में जो लालसा होती है ना, ऐसे कंकर फेंकना या कुछ ऐसे हरकतें करना, मिसबिहेव सा करना, उसे जो बचपन में मीन्स कि लड़कपन वाली जो लालसा थी वो उसे रोक नहीं पाया, रेसिस्ट नहीं कर पाया, रोक नहीं पाया, उसने क्या किया, पत्थर थ्रू पेबल्स, जो कंकर थे कंकर उठाए उन पे मारने लगा। आमंड इन अ अलार्म्ड इन एन इंस्टेंट द मार्कर रैन अवे फ्रॉम द स्पॉट एंड वैनिश इन द डिफिकल्ट क्लिफ। तो मार्कर्स को क्या हुआ, और उन्हें मार्कर की तरफ जब फेंक दिया तो भयभीत, अलार्म्ड होता है जब उन पे पता चल गया कि किसी ने उन पे एक पत्थर फेंका है, तो वो अलार्म्ड हो जाते हैं मीन्स कि चुकन्ने से हो जाते हैं, तो वो उन्होंने क्या किया, इंस्टेंटली जल्दी से मार्कर्स वहाँ से भाग निकले उस जगह से एंड वैनिश्ड, वहाँ से अदृश्य हो गए उन चट्टानों के, उन चट्टानों में, उन बड़ी बड़ी चट्टानों के पीछे या कहीं पर अदृश्य हो गए, गुम हो गए मीन्स कि छिप गए। शान सोनम कांट मार्कर बी डोमेस्टिकेटेड, क्या हम मार्कर्स एनिमल, मार्कर जैसे एनिमल को पालतू जानवर नहीं बना सकते, घर पे पाल नहीं सकते। सोनम यू हैव फॉरगेटन द लेसन इन विच वी रिसेंटली अबाउट दैम, मुझे लगता है कि तुम वो सीख, वो लेसन भूल गए हो जो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था। द मार्कर इज़ अ वाइल्ड एनिमल, मार्कर एक वाइल्ड एनिमल और जंगली जानवर होते हैं, और ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, बहुत ही मीन्स की ऐसी प्रजाति हैं जो किसमें है, संकट में पड़ी हुई प्रजाति है। थ्रेट इंक्लूडिंग, इनके लिए जो थ्रेट है वो कौन कौन से, जैसे हंटिंग प्रेशर, इन पे हंटिंग प्रेशर होता है कि इनका कोई क्या शिकार ना कर दे, ह्यूमन वारफेयर, मानव के युद्ध होते हैं उनमें भी ये शिकार हो सकते हैं, मानव के युद्ध जितने में मीन्स कि इंसानों में जो वॉर्स होती है, वर्ल्ड वॉर्स वगैरह जिसे कहा जाता है, उसके लिए भी ये उसके लिए भी इन्हें खतरा है। एंड इंक्रीजिंग डिस्टर्बेंस एंड कंपटीशन फ्रॉम डोमेस्टिक गोट्स एंड शीप्स, और जो पालतू भेड़ बकरियाँ हैं उनका मुकाबले, ये उनके मुकाबले, उनके जो कंपटीशन के उनके कंपटीट करते हुए मींस की इंक्रीजिंग डिस्टर्बेंस, इनमें क्या होती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। डिस्पाइट इंटरनेशनल एंड नेशन वाइड प्रोटेक्शन The population of the flare horn marker is said to have been halved in the last 25 years. Despite means ki international, antarrashtriya aur rashtriya wide protection, itni zyada badi protection dene ke bavajood bhi, despite hota hai bavajood bhi, that population, inki jo population, the population jo hai, in flare horn hote hain chode singh wale marker ki jo population hai wo pichle 25 सालों से, लास्ट 25 ईयर से क्या हो गई है, हाफ हो गई है, हाफ मीन्स कि आधी हो गई है, ठीक है। शियॉन कहता है ओ द मार्कर नीड टू बी प्रिजर्व्ड, तो मीन्स कि मार्कर को ज़रूरत है बचा के रखने की, मीन्स कि उन्हें प्रोटेक्ट करने की, उन्हें कंजर्व करके रखने की, अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, वी विल बी डिप्राइव्ड ऑफ अ ग्रेट
वाइल्ड लाइफ ट्रेजर, तो हम क्या हो जाएंगे, डिप्राइव्ड होता है वंचित हो जाना, मीन्स कि हम उससे दूर हो जाएंगे, वरना हम इस वाइल्ड लाइफ ट्रेजर, इस जंगली खजाने से, उसने जंगली खजाना किसको कहा है श्यान ने, मार्कर्स को, मार्कर एक जंगली खजाने खजाना है, ट्रेजर मीन्स खजाना है, जिससे कि हम क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे अगर हम इनसे प्रिजर्व करके नहीं रखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन था, अब आपका लेसन कंप्लीट हो गया है, होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा प्रॉपरली, इसे ध्यान से सुनिए लेसन को, तो मैंने अपनी आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक द वीडियो, तो कोशिश की है कि वीडियो में आपको समझ आ जाए, अगर समझ आ गया होगा तो प्लीज़ रिस्पॉन्स दीजिएगा, थैंक यू स्टूडेंट्स।